जय माँ अब तक हम लोगों ने श्री माँ की योग यात्रा में पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं बिंदु खासकर श्री अरविंद के मिलने के बाद कि वो प्रतीक्षारत हैं बिल्कुल एक ब्लैंक पेज की तरह हैं कि जो भी ईश्वर उसमें लिखना चाहे फिर हम अगले चरण में देखते हैं कि ये सारा संसार एक आ, एक प्रकार से वो विभीषिका में युद्ध की विभीषिका में महाज्वाला में वो झुलसने लगता है और सीमा उस पूरी झुलसती हुई ज्वाला को अपने अंदर आत्मसात करती हैं और उसको यज्ञ बना देती हैं यही एक पहला सूत्र है जो जीवन का परम सूत्र है जीवन में कठिनाई आती है हाउ टू टर्न इट इंटू एन अपॉर्चुनिटी बाय द मदर्स ग्रेस जब नरक की अग्नि जल रही हो तो उसमें जब हम अपनी चेतना को भगवान के नाम के साथ में जोड़ देते हैं तो वो नरक की अग्नि यज्ञ यग अग्नि यग बन जाती है तो सीमा उसको यज्ञ की अग्नि बना देती है लेकिन यज्ञ का एक प्रयोजन होता है वो प्रतीक्षा कर रही हैं डिवाइन मदर से उनका तादात्म्य होता है और दिव्य जननी से तादात्म के बाद वो प्रतीक्षारत है कि मुझे जो भी आदेश मिलेगा मैं उस दिशा में जाऊंगी यदि वो प्रलय हो तो प्रलय की दिशा में और नई सृष्टि हो तो नई सृष्टि की दिशा में तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि उनको आदेश मिलता है नई सृष्टि का तो नई सृष्टि के लिए एक यज्ञ जो हो रहा है अब उसका उसकी दिशा स्पष्ट हो गई लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो यज्ञ में कुछ चीज़ें की जाती हैं भूमि तैयार की जाती है अब भूमि कौन सी तैयार होगी पृथ्वी पर कौन सा एक स्पॉट है जो तैयार हो तो एक तो ये है यज्ञ भूमि लेकिन माँ सबसे पहले अपने ही शरीर को यज्ञ की वेदी बना देती हैं जैसे शेयरविंद का पहला आश्रम अलीपुर जेल में है जहाँ वो साधनारत हैं और उनके आसपास वे सारे लोग हैं जिनको कन्विक्ट किया गया है वैसे ही माँ अपने शरीर को यज्ञ वेदी बना देती हैं ये सब हम लोगों ने पढ़ा ये कोई हम लोग मन की बातें नहीं कह रहे हैं ये जो हम लोग देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं जो प्रेयर्स को तो अपने शरीर को यज्ञ की आहुति बना देती हैं और उसमें वो सब कुछ संसार में जो उठ रहा है उसको अपने अंदर आत्मसात करके उसमें अर्पित कर रही हैं हबी भी बन जाती हैं और उसके साथ ही वो इस यज्ञ की मुख्य पृष्ठ भी बन जाती हैं क्योंकि यज्ञ में तो ज़रूरी है कौन जो है पृष्ठ बनेगा तो वो भी हम देखते हैं कि माँ को ये भी आदेश मिलता है कि शी बिकम्स द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव कि वो जो कुछ भी मिलना है प्रसाद यज्ञ के बाद जो प्रसाद मिलता है वो उनके द्वारा मिलेगा इसलिए शेरविंद के योग के बारे में कोई भी चिंतन दर्शन कोई भी व्याख्या इनकम्प्लीट है बिना माँ के बहुत बार मैं सुनता हूँ फिलासफिकल डिस्कोर्स होते हैं श्यविंदों के ऊपर उनके योग के ऊपर आइडियाज़ के ऊपर दे आर ऑल इनकम्प्लीट टिल यू हैव द मदर और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए एक और यज्ञ हुआ था किसने किया था दक्ष प्रजापति ने किया था और वो यज्ञ इनकम्प्लीट हो जाता है ध्वंस हो जाता है क्यों क्योंकि वहां पे शिव जी को नहीं बुलाया गया था शिव और सती एक हैं पार्वती एक हैं तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए तो माँ ही इस यज्ञ की मुख्य की है जिससे कहते हैं वो ही है जो यज्ञ कर रही हैं हम लोग जुड़ जाते हैं जैसे कहते हैं ना वो पुरोहित <laughs> या कुछ प्रसाद लेने वाले लेकिन यज्ञ शुरू करने के पहले वो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था देवताओं का आवाहन करती हैं तो ये देवता कौन है ये देवता रूप अरूप दोनों हैं सारी सब कुछ सृष्टि में रूप अरूप, फौर्म और रूप फॉर्म और फॉर्मलेस है फॉर्मलेस के रूप में यानी अरूप में उनकी इन्फ्लुएंस है उनकी शक्ति है जो विश्व में कार्य करती है जैसे अग्नि आगे जहाँ भी प्रगति की चाह है प्रगति हॉरिजॉन्टल नहीं और पैसा आ जाए इसको लोग प्रगति समझते हैं लेकिन ऊपर उप, उठने की चाह जहाँ भी मनुष्य के अंदर जिस अवस्था में उससे ऊपर जाने की चाह है वहाँ अग्नि विद्यमान है इसको फायर ऑफ एस्पिरेशन कहा गया अब एस्पिरेशन कॉन्शियस एस्पिरेशन बड़ी कॉमन नहीं है तो कम से कम प्रोग्रेस की चाह वन वांट्स टू प्रोग्रेस तो वहाँ पर अग्नि है जो संतुष्ट है जैसा जीवन है उसी में वो चलने दो स्टेटस क्यों ऐसे ही रहेगा वहाँ अग्नि अभी जली नहीं है जिस दिन जलेगी तो वो साप दीवारें घर छत नीचे आएगी क्योंकि अग्नि का ये स्वभाव ही है कि हर चीज़ को शुद्ध भी करती है और ऊपर उठाती है ये दो गुण हैं अग्नि के तो अग्नि का आह्वान करती है माँ सबसे पहले वेदों में प्रार्थना होती है ना कसमें देवाय हविशा विदे हम पहले हम किस को किस देवता की उपासना करें तो अग्नि आती है माँ अग्नि का आह्वान करती है और अग्नि एश्योर करती है कि कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा यहां हमको एक और सूत्र मिला कि कोई भी जीवन में ऑप्शिक आए कोई भी कोई भी मतलब कोई भी लेकिन अभिप्सा की अग्नि के आगे क्योंकि वो अग्नि भागवत कृपा को लाती है वो ठहर नहीं सकता है अग्नि का ये कार्य ही यही है हाँ अग्नि का आह्वान कर दिया और हमारे मन में बहुत सारी <laughs> उल्टी सीधी कामनाएं हैं तो वो उनको भी सुहा कर देगी अच्छी बात है मुक्त हो जाएंगे <laughs> लेकिन अग्नि का ये कार्य है कोई ऑब्स्टेकल नो ऑब्स्टेकल कैन यू नो स्टैंड यही वो है जो बाद में पुराणों में हम देखते हैं कार्तिके के नाम से कार्तिके कौन है वो ये अग्नि है ही इज द विनर ही इज द लीडर ऑफ द गॉड्स देव सेनापति अग्नि लीड्स एंड द रेस्ट फॉलोज फिर अग्नि के बाद कौन इंद्र इंद्र क्या वो इन्वोक करती है कि माइंड्स क्योंकि अब हालांकि लीडर तो ये अग्नि है जो मनुष्य के अंदर विल का रूप लेती है वो हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टेड वर्क्स में आई थिंक कुछ दिन पहले कि नहीं सिंथेसिस सिंथिस योग में हमने पढ़ा था कि हालांकि माइंड ऐसा लगता है कि लीड कर रहा है और कुछ हद तक वो लीडर है भी लेकिन जो रियल हमारा गाइड है जो हमारा लीडर है रियल लीडर वो हमारी विल है तो अग्नि इज द विल इन मैन लेकिन गाइड कौन है गाइड है इंद्र इंद्र यानी थॉट थॉट इंद्र हैं थॉट का अल्टीमेट ग्लोबल माइंड तो इंद्र को वो प्रार्थना करती, करती है वो करती हैं कि हमारे मन के आकाश को स्वच्छ रहे सुंदर रहे ल्यूमिनस रहे अंधकार मत आने दो क्योंकि इंद्र युद्ध करते हैं ना उनका वज्र है जो चमचमाता है वज्र की को देख करके ही असुर भाग जाते हैं तो इंद्र के वज्र से क्या निकलती लाइटनिंग्स अंधकार में भी वो प्रकाश कर देते हैं तो इंद्र का आवाहन करती हैं तो इंद्र के आवाहन से क्या होता है मन का अंधकार चला जाता है ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विल एस्पिरेशन और उससे ही जो फेथ निकलता है दूसरा जो मन का आकाश उसके अंदर डार्कनेस ये दोनों चीज़ें को जाने के लिए दोनों देवता हम लोगों को ये आवाहन नहीं करना है हमको तो केवल ये सारा काम तो पृष्ट ऑफ दी हेड है। है, पृष्ट करते हैं आपको माँ की तरफ मुड़ना है बाकी वो करती हैं लेकिन यहाँ पर हमने प्रोसेस उसकी देखी तीसरा अब ऊपर कौन ले जाएगा चेतना को वो कौन सी शक्ति जो रूपांतरित करेगी इंद्र ने तो मन का आकाश क्लियर कर दिया अग्नि आगे बढ़ने ले जा रही है अग्नि शुद्ध करती है रूपांतरित नहीं करती है अग्नि स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण बना देगी लोहे को स्वर्ण नहीं बना सकती अग्नि का कार्य नहीं है वो लोहे को स्टील बना देगी शुद्ध के साथ साथ रूपांतरित कौन सी शक्ति करती है वो हमने देखा प्रेम ये तीन शक्तियों का आह्वान करती है और ये प्रेम जो है उसके अंदर रूपांतरण की शक्ति है प्रेम ऐसी शक्ति है जो कुछ क्षणों के लिए भी मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके कुछ समय के लिए व्यक्ति बदल जाता है लास्ट नहीं करता है क्योंकि वो प्रेम बहुत मिक्सचर होते हैं उसमें तो ये तीनों का आवाहन कर चुकी है माँ यज्ञ प्रारंभ होने वाला है अब यज्ञ जब होने वाला है जहाँ पर आप वातावरण को शांत करते हैं ऐसे नहीं कि बहुत शोर शराबा ढोल पीट के पता नहीं लोग यज्ञ करते हैं कई बार तो ये यज्ञ नहीं है यज्ञ यज्ञ <laughs> तो बहुत एक सुंदर सौम्य वातावरण होना चाहिए अब यज्ञ का वातावरण कैसे बनेगा यह हम आज पढ़ेंगे तो यज्ञ का वातावरण बनेगा शांति का आह्वान करके पीस इज द फाउंडेशन ऑफ साधना शांति नहीं है तो ये यज्ञ नहीं हो सकता इसीलिए हम लोग पढ़ते ना यज्ञ भंग करने का प्रयास तो यज्ञ भंग अगर हम देखें कैसे होता है तो बाहर से तो कुछ शक्तियां हैं जो आती हैं उनका काम ही यही है मांस मदरा डाल रही हैं यानी आपको एक्साइट कर रही हैं आपको उधर अट्रैक्ट कर रही इधर ले जा रही हैं तो यज्ञ भंग ऐसे होता है मोह में आकर के अभी हम लोग वो देख रहे थे रावण का यज्ञ कैसे भंग होता है तो यज्ञ भंग कब होता है जब हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की रेस्टलेसनेस होती है तो रेस्टलेसनेस का एंटीडोट क्या है शांत शांति क्या करती है वातावरण को प्रोटेक्ट करती है शांति की ऊर्जा फैल जाती है तो यज्ञ को भंग करने वाली शक्तियाँ आ नहीं सकती एक किसी को बोला जाए वो कहानी ना श्री रामकृष्ण कृष्ण की रात को तीन औरतें जो मछुआरन थी तो रेस्ट करना चाहती थी तो उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया कहा बहुत बारिश हो रही है रेस्ट कर ले उन्होंने कहा हाँ कहाँ रेस्ट करें मेरी फूल की दुकान है यही जगह यहाँ सो जाओ अगले दिन पूछा कैसा रहा नींद वींद ठीक आई बहन बोलते बिल्कुल नहीं आई क्यों मछली की सुगंध नहीं आ रही थी फूल के बीच में हम कैसे सोच सकते हैं शांति जहां होगी वहां बहुत सारे आंसुरिक राक्षसी तत्व तो आएंगे ही नहीं ऑटोमेटिकली उनको पसंद नहीं है <laughs> उनको चाहिए एक्साइटमेंट उनको चाहिए एंगर उनको चाहिए फियर जहां ये चीज़ें होती वहां दौड़े चले जाते हैं यही बात होती ना पौंडिचेरी में दोनों चीज़ें मिलती एक होती वाइन जहाँ पर सारे आसुरिक तत्व चले जाते हैं तो फिल्टर आउट करने का बहुत अच्छा तरीका है और दूसरी है डिवाइन डिवाइन के पास कौन आता है जिसको जो पीस अपने आप आप के अंदर वो सारी चीजें शांत हो गई हैं तो अब हम ये देखेंगे कि पहली चीज यज्ञ में जो स्थापित करनी है वो है शांति 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 माँ कहती हैं अरविंद कहते हैं पहले सबसे पहली जो बुक आई थी जो साधकों को पढ़ने के लिए दी जाती थी अभी भी शायद मिलती है शब्द में आ, बेसिस ऑफ योगा दिस वाज़ द फर्स्ट बुक एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड बेसिस ऑफ योगा बट जहाँ तक मेरी स्मृति है पहले बेसिस ऑफ योगा आई फिर एलिमेंट्स ऑफ योगा बट दोनों आसपास बेसिस ऑफ योगा में शेयरविंद के पत्र हैं जो पहला ही चैप्टर है काम पीस इक्वानिमिटी और इसके लिए तो जैसे कहते हैं ना मत होके चेष्टा करनी चाहिए माँ कहती हैं पूरे साल लगा दो जब भी शांति शांति पीस 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 इस मेक पीस योर फ्रेंड और ऐसी दोस्त बन जानी चाहिए शांति कि आप जब भी आप किसी भी अवस्था में बोलो पीस एंड पीस कम्स फ्रेंडशिप हो जाएगी बिकॉज दे आर रियल दे आर ऑल्सो गॉड हेड्स उनके आने मात्र से शांति होती है उस ऊर्जा से तो पहली तो हम वही देखते हैं माँ का रोल वो फिर से इस बात को अपने अंदर स्पष्ट हो गई हैं अक्टूबर पांच उन्नीस सौ चौदह मे आई बी देर मीडिएटर विद दी दैट दाई लाइट मे लूमिन दैम दैट दाई पीस मे अपीस कितना सुंदर वर्ड है अपीस हमको संतोष चाहिए नहीं मिलेगा किसी चीज़ में शांति से मिलेगा जब व्यक्ति के अंदर शांति आ जाती तो संतोष ऑटोमेटिकली आ जाता है तो माँ मीडिएटर मीडिएटर यानी अब वो इस यज्ञ की यज्ञ है ये और माँ उसकी वेदी भी उनका शरीर उसकी हवन कुंड बन गया है और उनकी जो सोल है उनका जो बींग है केंद्रीय सत्ता है वो इस यज्ञ की आ, अग्निर होता अग्निर्ताराम वो बन गई है और देवताओं का आह्वान हो गया है अब वो फाउंडेशन ले कर रही हैं अगली प्रार्थना में ऑल इज काम एंड सरीन यज्ञ कभी छटपट करके नहीं किया जाता है <laughs> तो इवन युद्ध को यज्ञ बनाया जा सकता है अगर शांति से लड़ा जाए हर चीज यज्ञ बन सकती है जहाँ छटपट है रेस्टलेसनेस है कब होगा कब होगा ये यज्ञ कब खत्म होगा मुझे कब गिफ्ट मिलेगा भगवान मुझे कब ये देंगे देन इट्स नो मोर यज्ञ देर इज डिजायर तो यज्ञ ऑल इज काम एंड सरीन नो लॉन्गर एनी स्ट्रगल एनी एंग्विश योग कभी इस तरह से नहीं किया जाता है खूब वो मेरा लोअर नेचर इससे लड़ाई कर रहा हूँ शांति ब्रिंग पीस इन इट बाई वॉट मीन्स पीस 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 से ही वो सो जाता है चुपचाप देशन इट सेल्फ बिकम्स सॉवरनली पीसफुल इन इट्स इमेंसिटी बट विदाउट लूजिंग एनीथिंग ऑफ इट्स इंटेंसिटी श्री अरविंद ने कहा है एस्पायर विद इंटेंसिटी बट विदाउट इम्पेश इंटेंसिटी एस्पिरेशन की लेकिन जब शांति साथ में होती है तो इम्पेशेंस इम्पेशेंस किस लिए होता है जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं हम कब सुपरमैन बनेंगे हमको कभी एक्सपीरियंस होगा हमको कभी ये पावर्स आएंगी जो लोग बाहरी किसी उसके लिए करते हैं ना उनकी समस्या होती है और अगर हम ये मान लें मान के चलें कि हमको तो बस स्वयं को माँ को देते जाना है क्यों फिर माँ यज्ञ में डालेंगी आहुति के रूप में और फिर वो सारा काम होगा हमारा काम है माँ को देना आगे हमारा कोई दैट द एंड ऑफ आवर योगा तो हमारा ध्यान तो इस पर होना चाहिए व्हाट वी हैव नॉट येट गिवन टू द लॉर्ड और काफ़ी चीज़ें तो वो देते जाएंगे देते जाएंगे जैसे जैसे माँ को देते जाएंगे वो यज्ञ में जाके शुद्ध और माँ के प्रेम से स्पर्शों के रूपांतरित होता रहेगा तो यहाँ पर माँ कहती हैं एस्पायर बट फुल ऑफ पीस सेरेनिटी विदाउट लूजिंग द इंटेंसिटी And by a curious opposition in the consciousness, like the words and reverse of a medal, my being perceives at once the immutable serenity of the infinite reality, in which all eternally is without any possible change, and the ardent and rapid advance of all that unceasingly becomes in an uninterrupted progression. एंड बोथ आर इक्वली ट्रू फॉर दी ओ लॉड अब देखिए कौन सी इमेज है जिसमें हम एक साथ उस स्टेबल बेसिस को भी अनुभव करते हैं और इस नित निरंतर चलायमान एवर चेंजिंग संसार ये दोनों को एक दृष्टि से देखना अलग अलग नहीं है एक है एवर अनचेंजिंग इम्यूटेबल माने यहां ब्राह्मण शब्द का कहीं इस यु नहीं किया है इज डिस्क्राइबिंग ब्राह्मन शी इज डिस्क्राइबिंग जो उपनिषदों में उसके आगे भी आएगा दो पुरुषों की बात की है अक्षर ब्रह्म और भाव। तो ये भी देख रही है कि आप ही स्टेबल बेसिस हो और आप ही हो जो ये नित निरंतर परिवर्तनशील जगत का परिवर्तन भी आप ही हो आप ही उसकी प्रगति हो पुराणों में इस इमेज को कैसे दिखाया जाता है शिव जी लेटे हुए हैं और काली का नृत्य हो रहा है सावित्री में श्री अरविंद दिखते हैं ऑन शिवाज ब्रेस्ट स्टेज डांस दा काली कौन है नित परिवर्तन द्रुत गति से वो परिवर्तन काल काली वो कौन है महाकाल काल का आधार है तो ये दोनों सत्य एक साथ मां देख रही हैं लेकिन कितनी सरल भाषा में अगर उन्होंने इस पर एक फिलॉसफी की यू एक्सपीरियंस द इम्यूटेबल ब्राह्मण एंड द इम्यूटेबल ब्राह्मन मनुष्य की बुद्धि उसमें खो जाती यही अनुभव है शी इज डिस्क्राइबिंग इट सो ब्यूटिफुली कि दोनों को बिना इसको रियलाइज किए हुए वन के नॉट गो फर्दर और इसको गीता में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है जो हम देखते हैं अभी बगल की प्रार्थना है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं फर्स्ट इन द सेल्फ देन इन मी सेल्फ इज दैट इम्यूटेबल ब्राह्मण उस चिर शांति ब्रह्म की इमोबिलिटी शांति इससे गुजरे बिना आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं तो यहां पर अभी दो तो पुरुषों का वर्णन आ गया अभी टोटालिटी का भी आएगा फिर उसके बाद वो आवाहन कर रही हैं, मनुष्य की दशा देख रही हैं, कि जिनके लिए यज्ञ कर रही हैं, उनकी क्या दशा है हम सबको देख रही हैं वो अगस्त अक्टूबर सेवेंथ ओ लेट लाइट बी पोर्ड ऑन ऑल दर्थ एंड पीस इनहैबिट एवरी हार्ट क्यों आवाहन करी शांति का मनुष्यों का वातावरण कैसा है अंदर का माँ कहती हैं एक बार कि मुझे रोज जो सफाई मनुष्य के अंदर करनी पड़ती है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है जो कव्वे ने एक बीट कर दी उसको माँ साफ कर दी दुमन भाई कहते हैं कि आई विल डू इट माँ कहती है कुछ भी नहीं है आश्रम में समाधि के बारे में ये कहा जाता है और ये सच भी है कि रात तक लोग क्या क्या नहीं छोड़ते हैं नेचुरल है, हम और जाएंगे कहाँ सारे रोगी <laughs> भोगी <laughs> भोग और रोग दो अवस्थाएं हैं स्टेप्स पहले भोग फिर रोग <laughs> फिर योग फिर दिव्य भोग वो बाद में तो सब छोड़ के जाते हैं ये काम ना है डिज़ायर से एटमोसफियर लेकिन देखिए अब महसूस नहीं होता है क्योंकि श्री अरविंद है ना उसको सोख रहे हैं रात को देवता यहाँ पे साफ़ करते हैं ऐसा कहा जाता है और ये माँ ने स्वयं कहा है और ये सच है तो रात को एटमॉसफियर उनका काम रात को शुरू होता है तो दे क्लैंस दिस होल एटमोसफियर फिर सुबह में देवताज इन ह्यूमन फॉर्म्स दे काम एंड सो यहाँ पे उसका वर्णन है ऑलमोस्ट ऑल नो ओनली द मेटीरियल लाइफ ज्यादातर मनुष्य केवल इसी जीवन को जानते पार्थिव जगत का वो कैसा है उसका वर्णन हैवी इनर्ट कंज़र्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो नहीं बदलना चाहता उसके लिए जो पुरखों के विचार हैं उसमें ही जीता है अब देखिए मां और शेरविंद ने कितना अद्भुत एक नया योग सामने लाए हर बार लोग पूछते हैं लेकिन उपनिषदों में यह लिखा है अरे वो उपनिषद के बहुत आगे जा रही है यू कैन रीड फ्रॉम द प्रेयर्स एंड वी विल रीड इट ये कोई कहने की चीज़ नहीं है लेकिन बार बार वो उस भाषा में उस तरह से बंधा हुआ है व्यक्ति इवन वहाँ पे, हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं शब्द ब्रह्मति वर्त थे गो बियॉन्ड द वर्ड रिटन और हर्ड लेकिन हम अपनी विचारधारा अपने पुराने जो ख्याल हैं उससे बंधे हुए हैं तो माँ कहती हैं ये क्या है क्योंकि मेटेरियल लाइफ इनर्ट कंजर्वेटिव Obscure. तो ये तो मनुष्य के जड़ तत्व की जड़ता इसी को कहते हैं जड़ बुद्धि जो बदलना नहीं चाहती दूसरा क्या है देयर वाइटल फोर्सेज आर सो टाइट टू दिस फिजिकल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इवन वेन लेफ्ट टू देम सेल्स एंड आउटसाइड द बॉडी दे आर स्टिल सोलली ऑक्यूपाइड विद मेटीरियल कंटिजेंसीज देट आर येट सो हेरसिंग एंड पेनफुल हमारी प्राण ऊर्जा किस में लगी रहती है अगला खाना क्या बनेगा है ना पैसा किसके लिए मेटेरियल बॉडी घर किसके लिए मेटेरियल बॉडी <laughs> तो चेतना और स्थूल होती जाती है और वेस्टर्न कंटेक्स में तो और भी ज़्यादा केवल बाहरी शरीर का सौंदर्य मेकअप ये मतलब पूरी तरह दे आत्मबोध दे ही सब कुछ है और उसके बाद माँ कहती हैं कि इवन वेन दे आर आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी किस सिचुएशन में होती है प्राण शक्तियाँ जब आपको इमिजिएट कोई नीड नहीं है खाना खा लिया आपने तृप्त हो गए जो भी उसके बाद प्राण तत्व थोड़ा सो गया उसके बाद अब आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा हो गया ना आउटसाइड न रात को भी यही चल रहा है लेकिन इसमें और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यह मृत्यु के बाद की दशा माँ पासिंगली बता रही हैं मृत्यु के बाद भी और इसकी बड़ी सुंदर एक स्टोरी है कि दो व्यक्ति लड़ रहे थे लड़ते लड़ते उन्होंने एक दूसरे को मार डाला तो प्राणिक देह में निकले अब क्या किया उन्होंने प्राणिक देह में निकलने के बाद फिर लड़ने लगे <laughs> क्योंकि उनको यही आता है प्राण को यही आता है उ, वो वही गति को दोहराते रहते हैं मां यहां पे एक व्यक्ति थे ऐसा भी मां ने डिस्क्राइब किया है, कभी कभी शरीर छोड़ देता है व्यक्ति सोल uh, छोड़ देती लेकिन शरीर कंटिन्यू करता है तो एक केस था बेंजामिन का वो बताती हैं वो साइकिल uh, स्टोर देखते थे तो उन्हें माँ बताती सोल इज़ लेफ्ट द बॉडी तो वो बिखष्ट uh, जैसे हो गए थे लेकिन वो चलते रहे फिर उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो रोज अपने कमरे में आकर के तो एक बार क्या किया कमरे में रेस्ट करने नहीं सब ठीक ठाक है कि नहीं वहीं पर मैं जाऊंगा फिर क्या किया कि उनके कमरे को कुछ समय बाद लोगों ने उसको चेंज किया जो भी यहाँ सिस्टम होता है कि भैया अब स, वो तो किसी का होता नहीं है तो बहुत गुस्सा हो गया प्राण जगत में मेरा फर्नीचर क्यों चेंज कर दिया मेरा ये अलमारी क्यों खोली तो माँ के पास के कंप्लेंट करने माँ ने कहा देखो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की अब तुम शांत हो क्योंकि जिस अवस्था में यही वो बात होती ना मृत्यु के बाद वो कोबरा बन कोबरा नहीं सांप बन के खजाने के पास ये फैक्ट है माने इसको भी पुष्टि की है कि इट इज़ ट्रू सांप बनना नहीं होता है पर कोई आसपास सर्व के अंदर वो वाइटल चला जाता है और वहां जाके कुंडली कुंडली मार के बैठ जाता है जब जिंदा थे तो आप कुंडली मार के बैठे थे धन के ऊपर मृत्यु के बाद भी आप यही कर रहे हो तो वो माँ कहती है शरीर के बाद भी और कितनी पिटिएबल कंडीशन है मन का फिर बता रही है दोज इन होम द मेंटल लाइफ इज अवेकेंट कुछ लोग हैं जो थोड़ा सोचने लगे हार्वर्ड में चले गए दिल्ली यूनिवर्सिटी चले को पढ़ाई लिखाई कर ली उनकी क्या अवस्था है मेंटल लाइफ इज अवेकन आर रेस्टलेस टॉर्मेंटेड एजिटेटेड आर्बिट्ररी डेपोटिक मन जाग गया तो और भी रेस्टलेस हो गए कभी ये विचार कभी वो विचार वो किताब पढ़ो ये पढ़ो वहां से ये आइडिया लो वहां से वो आइडिया लो मिला के दिमाग के अंदर आप खिचड़ी बना रहे हो वो भी बहुत अच्छी खिचड़ी नहीं क्योंकि पता नहीं क्या -क्या आपने डाल दिया है। उसके बाद उसको, उसको देखा <laughs> क्योंकि उनका दिमाग रेस्टलेस है एक बार एक कॉन्फ्रेंस में चल रही थी बात उसमें सी अरविंद थी सी अरविंद के नाम पर कॉन्फ्रेंस लेकिन एक कोई सी अरविंद के कोई इस पर कोई कुछ और कोई बुद्ध जी कोई आके मेडिटेशन सिखा रहा था तो जब मुझे बोलने को दिया मैंने कहा मुझे मैं केवल ये सोच रहा हूँ अगर इस कॉन्फ्रेंस में वास्तव में शेरविंद आ जाए तो कोई बोलेगा या चुपचाप बैठेगा मेरा मन कर रहा है मैं चुपचाप बैठ जाऊं ये क्या हो रहा है हर कोई आगे अपने अपने विचारों की खिचड़ी बना रहा है तो ये तब हो होता है जब आपका मन एकदम रेस्टलेस होता है शांत मन में तो प्रचंड लहरें उठती हैं ज्ञान की लाइटिंग्स विशाल शीर्षागर से उठती हैं और उसको आप रिसीव करते हो गंगा का प्रचंड प्रवाह लेकिन आम तौर पर जो ह्यूमन माइंड है साथ में वो माइंड क्या करता है कॉट ऑल टुगेदर इन वर्ल्ड ऑफ द रिन्यूअल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच दे ड्रीम मन क्या करता है मन प्रगतिशील है प्रगतिशील वो बदल, बदलाव चाहता है जड़ तत्व तो कहता है मैं नहीं बदलूंगा कंजर्वेटिव माइंड है इंटेलेक्चुअल माइंड प्रोग्रेसिव माइंड है लिबरल ओके लिबरल पोस्ट मॉडर्न माइंड है वो क्या चाहता है अब यहां माने उसकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है लिबरल जो है वो क्या कहता है चेंज चाहिए लेकिन कैसे वो चेंज करता है दे आर रेडी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग विदाउट नॉलेज ऑफ एनी फाउंडेशन ऑन विच टू कंस्ट्रक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म तब देख लिया है ये भी तोड़ो वो भी तोड़ो ये भी ठीक नहीं है वो भी सही नहीं करते करते सब तोड़ दिया उन्होंने <laughs> अच्छा बनाओगी क्या नहीं वो हमें नहीं मालूम आपकी मर्जी है आप चाहो तो मेल समझ लो फीमेल समझ लो आप चाहो तो ये वो आपके ऊपर है सो इट इज़ लाइक टोटल कन्फ्यूजन यही हुआ है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है द माइंड विच लिबरल माइंड वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस लेकिन इट डज नॉट नो हाउ टू प्रोग्रेस सो हर चीज़ को तोड़ देता आपकी मर्जी जो मर्जी आप जैसे अब जो मर्जी के हिसाब से तो संसार नहीं चलता है संसार में लॉ विच इज ऑपरेटिंग लॉ ऑफ ट्रूथ सनातन उसका आइडिया नहीं है तो अंत में वो कहते हैं सनातन को ही हम तोड़ देंगे <laughs> तो ये तो पागलपन की एक सीमा होती है एंड सो विद लाइट मेड ओनली ब्लाइंडिंग फ्लैशेज दे इंक्रीज येट मोर द कन्फ्यूजन रादर देन हेल्प इट टू सीज बहुत स्पष्ट है ये इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से हम नहीं कुछ भी इस संसार को बदलेंगे इन ऑल देयर लैक्स द अनचेंजिंग पीस ऑफ द सोवरेन कंटेंप्लेशन एंड द काम विजन ऑफ द इम्यूटेबल इटर्निटी लोग पूछते हैं आश्रम में जाके क्या आप संसार बदल रहे हो हाँ, कैसे हम आधारशिला रख रहे हैं आप क्या कर रहे हो हवा में महल बना रहे हो अब हवा में महल बनाने से आपने घर बना दिया उसके बाहर लिख दिया नई सृष्टि का जन्म ऐसे थोड़ी होता है अंदर से बाहर की ओर कुछ लोग होने चाहिए जो केवल फाउंडेशन स्टोन ले करें उसके लिए वो नीचे उतर करके केवल पीस की एक भूमि तैयार कर रहे ये है भारतवर्ष का कि पहले पीस कैप्चर करो ब्राह्मण क्यों इसलिए नहीं कि आप भाग जाओ संसार से ये तो बाद में एक इसका मिस हो गया लेकिन जब शांति की भूमि तैयार हो गई तो आप शिवत्व भी रुद्रत्व भी काली भी सब कुछ द ट्रमेंडस फोर्सेस कैन मूव फिर यहां पे मां अंत में कहती है शी इज इंप्लोरिंग द लॉर्ड दैट अंडर कवर ऑफ द प्रेजेंट टर्मोइल इन द वेरी हार्ट ऑफ दिस एक्सट्रीम कन्फ्यूजन द मेरेकिल में बी अकम्प्लिस्ड एंड दैट दाई लॉ ऑफ सुप्रीम सेरिनिटी एंड प्योर एंड चेंजिंग लाइट कम विजिबल टू दर्सेप्शन ऑफ ऑल एंड गवर्न दर्थ इन एमैनिटी एट लास्ट अवेकेंड टू दाई कॉन्शियसनेस तो शांति का आधार अक्टूबर दस को लिखती हैं क्योंकि फिर से एक बार उनका क्या रोल है वाई दी मदर ये योग आप मदर से बाईपास करके नहीं कर सकते हैं। ये एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में हृदय हाँ, में एकदम स्थापित हो जानी चाहिए कई लोगों ये इसलिए हम लोगों के ग्रुप में नहीं लोग समझते हैं इस बात को लेकिन कई बार जब एक इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन करते हैं शोरबिंदू का ठीक है आप आइडियाज से यू कैन प्ले विद आइडियाज़ बट यू कैनॉट एंगेज इन योगा मीन्स यू कैनॉट रियलाइज द आइडियाज आइडिया केवल आइडिया रह जाएंगे हाँ रूपांतरण है इनवोल्यूशन है इवोल्यूशन है, है। पर वो एक्चुअल क्योंकि बिना उस चीज़ को रियलाइज किए हुए हम वो केवल एक दिमागी खिलवाड़ रहेगा इसीलिए शी अरविंद जब कहते हैं रिकवर द आर्यन थॉट तो रिकवर द आर्यन वे ऑफ लाइफ नॉट ओनली इन थॉट बट इन लाइफ एंड एक्शन हम लोगों की गलती क्या रही हम थॉट में तो बहुत कुछ करते रहे बाद में थॉट भी छोड़ दिया हमने केवल एक रिचुअलिस्टिक वो पकड़ लिया पर जीवन में उसको नहीं उतार रहे हमको तो उसको जीवन में उतारना है ये माता जी बता रही हैं लेकिन उसके पहले लेट मी बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल अर्थ सो दैट यूनाइटेड विद माई कॉन्शियसनेस शी मे गिव हर सेल्फ टू दी विदाउट रिजर्व पूरी पृथ्वी को अपने अंदर आत्मसात करके अब माँ ये योग कर रही हैं तो पूरी पृथ्वी कोई भी पृथ्वी का प्राणी कर सकता है ये योग कंडीशन एक है माँ से जुड़ पाए लगता है तो इतना सरल है प्रयास कीजिए देखिए मन के अंदर कितने डाउट्स आएंगे पता नहीं क्यों अजीब अजीब से डाउट फ्रेंच है तो फ्रेंच कोई रियलाइज नहीं हो सकता मिस्टेक <laughs> ये भी लोगों ने प्रश्न किए थे कैसे कैसे डाउट अच्छा वो तो टेनिस भी खेलती थी तो श्री कृष्ण तो रथ चलाते हैं श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं हमारे यहाँ ये है तो मतलब एक रियलाइज व्यक्ति को पूरे दिन एक सफ़ेद कपड़ा या वो केवल वैसी बातें करनी चाहिए एकदम बैठ के ध्यानस्थ होना चाहिए समाधि ये कहाँ से हम लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई श्री कृष्ण और श्री राम की भूमि में श्री अरविंद डिस्क्राइब करते न्यू क्रिएशन को कहते हैं प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग जब वो डिस्क्राइब करते हैं न्यू बींग को तो पूरी पृथ्वी उनके को अपने अंदर आत्मसात करती है दर द परफेक्ट पीस द मार्वलस एक्प्लिशमेंट दाउ आर्ट ऑल दैट द यूनिवर्स इज इम्यूटेबली बियॉन्ड टाइम एंड एंड मोर इन दॉन्शियसनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस ना यह ट्रिपल पुरुष ट्रिपल रियलाइजेशन गीता का शर अक्षर पुरुषोत्तम यहां माँ पुरुषोत्तम से स्टार्ट कर रही है दाउ आर्ट दर्फेक्ट पीस और शेरविंद बताते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना क्योंकि तभी इंडिविजुअलिटी का तभी एक इंडिविजुअल रियलाइजेशन का मतलब है अगर आप पुरुषोत्तम को हटा देंगे केवल अक्षर ब्रह्म की बात करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर तो ये सारी इंडिविजुअलिटी सारा खेल एक प्रपंच है माया है तो आप देखेंगे कि जो एक प्रकार का अद्वैत है जिसने भगवान को भी सबॉर्डिनेट करके और निर्गुण में उलझ गए लेकिन पुरुषोत्तम इज बियॉन्ड द सगुन एंड निर्गुण तो यहां पर उसकी बात हो रही है दाउ आर दी परफेक्ट पीस आप ही हो जो ब्रह्म बने हो मार्वेलस एक्म्प्लिशमेंट और आप ही हो जो इस अनचेंजिंग इम्यूटेबल वर्ल्ड में चेंज हो दाओ आर्ट ऑल दैट द यूनिवर्स इज इम्यूटेबली स्थिर स्थानु बियॉन्ड टाइम एंड विल्स टू बी मोर एंड मोर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस दोनों इम्यूटेबल अक्षर और शर जो चेंज हो रहा है और पुरुषोत्तम से ही ये दोनों हैं पीस पीस अपॉन ऑल अर्थ अब मां तो एक और ये आवाहन कर रही है अब मानव तो अपनी पीड़ा से उलझा हुआ है कहते हैं ना उसको बोलो भाई यज्ञ करो वो शांति स्थापित तो करो हम कैसे करें भूख प्यास से कैसे छुटकारा पाएं उसका भी माँ ने इलाज किया वन ऑफ द रीज़न वाई शी मेड द आश्रम वन ऑफ द रीज़न कि लोग ये कहते थे कि हम तो बस जीवन की हुआ में ही जीवन गुजर जाता है तो माँ कहती हैं कि मैंने एक जगह की लोग यहाँ आके उनको खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो जाए पर फिर भी मनुष्य कोई ना कोई नई मुसीबत मोलता रहता है दादा ने एक बार युमर कहा था प्रणब दा ने किसी ने पूछा इंटीग्रल योग क्या है <laughs> तो तारा कहते हैं पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट करना फिर उनको सॉल्व करना माइंड <laughs> बिना मतलब के प्रॉब्लम योग पथ कितना सरल है शांति के साथ गिव योर सेल्फ टू मदर शांति से आधी प्रॉब्लम्स तो दूर हो जाएंगी एक्चुअली फिजिकल रोग वगैरह भी शोक शांति इज सच ए बेसिस इक्वेनिमिटी अब बाकी गिव योर सेल्प टू द डिवाइन मदर तो अब देखिए ये है भगवान जब माँ के रूप में आए जब राम के रूप में आए तो आपको तो वारियर बनना है आसान नहीं है आपको सहना पड़ेगा रावण का बाण ऐसा भयंकर कि विभीषण को बचाने के लिए राम जी अपनी छाती पर ले लेते हैं क्योंकि वो राम के रूप में आप राम के अनुवायी हो तो यू हैव टू बी लाइक दैट शिव के अनुयायी बनोगे तो पहले मरना पड़ेगा आप कपड़ा बदल लेने से ये भभूत लगा लेने से भस्म आरती कर लेने से शिव जी के अनुवायी नहीं बन वो तो कहते हैं मेरा हो मिस शमशान डाई टू द ईगो देन यू कम टू कैलाश ईगो के साथ आप नहीं जा सकते उनके घर पे तभी तो वहां झगड़ा नहीं होता है क्यों क्योंकि वहां पे ईगो कैन नॉट सरवाइव देयर कृष्ण जी का अनुवाई बनना है तो या तो यू हैव टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स स्टेप्स बहुत कठिन है कुछ गोपियों ने प्रयास किया बट दे कुट कीप पे सोशी कृष्ण डिस इट्स नॉट ईजी टू कीप द स्टेप्स ऑफ कान्हा द लॉर्ड एंड द मास्टर द स्लेव एंड द मास्टर ये बता श्री अरविंद आहना में लिखते हैं विद कान्हा ए स्लेव एंड इज मा एंड द मास्टर या फिर कुरुक्षेत्र में उतरो वहां पे शिष्य स्थे एम शादी माम ए सब कठिन है तो भगवान अब माँ का रूप लेके आए हैं माँ के रूप में क्या कर कर रही हैं माँ इट वॉज देयर पेन एंड सफरिंग दैट माई फिजिकल फीलिंग ओ लॉर्ड अब माँ क्या करेगी देखो माँ अगर आप युद्ध क्षेत्र में हो तो माँ ये नहीं कहेगी उठ धनुष संधान कर माँ कहेंगी रुक ये जहां भी डिवाइन मदर ने इंटरवीन किया है यहां तक कि एक समय शिव के विरुद्ध खड़ी होती है जगन माता पार्वती वो कहती दिस टाइम आई वॉन्ट लेट यू टच हिम और शिव जी पूरे आवेश में है वो शांत हो जाते एक बार वो स्वयं शिव को उनका विधवा रूप है तंत्र में दस महाविद्या में आता है एक रूप आपने वो भक्त को बचाने के लिए भक्त कौन है असुर है उन्होंने उसको वरदान दे दिया कि नहीं मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा प्रोटेक्ट लड़ने कौन आ जाते हैं शिव जी तो वो क्या करती हैं मां कहती है आई एम ड्यूटी बाउंड बाउंडो शिवा एंड बिकम्स विधवा वो इस कहानी बड़ी डीप है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं बट डिवाइन मदर तो क्या करती है बच्चे की पीड़ा एक ह्यूमन मदर भी करती है ना तो वो तो कितना गुना अधिक वो कहती है आई विल डू इट फॉर यू खाना मैं बनाऊंगी तू खा ले बुक्स <laughs> में सब अरेंज कर दूंगी लाइट सब कुछ कर दूंगी तो बस थोड़ा बैठ के पढ़ ले थोड़ी एक्सरसाइज कर दे ये माँ करती है तो ये योग मातृ योग है mm. कैसे किया जाता है माँ कह रही उन सबकी पीड़ा मैंने अपने अंदर ले ली और इस कारण मेरा भौतिक शरीर पीड़ा में हो गया ये माँ ने कई बार किया है पीड़ा ही नहीं ले ली डिजायर्स ले ली अंदर में ये सब बाद में आती हैं वेन विल इग्नोरेंस डिजॉल्व वेन विल सॉरो सीज ओ लॉर्ड ग्रैंड द ईच एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स में बिकम कॉन्शियस ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफ बींग कब समाप्त होगा दुख जब हम सब अपने कोर प्रिंसिपल क्या है हमारे अंदर मूल तत्व प्रिंसिपल होता है ना और इंटरेस्ट होता है मूल तत्व क्या हम इंटरेस्ट में उलझे हुए हैं प्रिंसिपल क्या है हमारे अंदर दिव, दिव्य उपस्थिति उससे जब हम जान जाते हैं सोल को जान जाते हैं तो सो इंस्टेड ऑफ डिस ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ मे द वेल्स ऑफ इगोइस्टिक ब्लाइंडनेस हाइडिंग दी बी रिमूव एंड मे दाउ अपियर रिस्प्लेंडेंट इन ए टोटल मैनिफेस्टेशन तो वो देख रही है मां की पीड़ा अपने अंदर धारण कर रही हैं और देख रही हैं इसका निदान क्या है ये बच्चे तो मेरे करेंगे नहीं तो माँ हम सब के बिहाफ पर प्रे कर रही हैं कि इनके अज्ञान की जो कवरिंग है चादर है जो बहुत थिक है इसको हटाओ हम सब के लिए योग कर रही हैं दैट्स वाई द मदर श्री अरविंद यही तो कहते हैं कि बिफोर द मदर्स कमिंग आई कुड हेल्प माई सेल्फ वो तो तपस्वियों के तपस्वी <laughs> तपस्वी घन श्री अरविंद तपोघन उनको तो कहते ही थे लोग इज ए त्याग राजन वो तो बहुत तपस्वी है उनके लिए तो कोई चीज को यूं छोड़ना चाइल्ड्स प्ले पर वो जानते हैं कि मैं कर रहा हूं मुझे ये अनुभव हो रहे हैं चाहता मैं सबके लिए हूं लेकिन लोग तो नहीं कर पाएंगे तो इस इज ऑल माई वर्क वॉज वेटिंग फॉर द मदर्स कमिंग बिफोर हर कमिंग आई कुड हेल्प माई सेल्फ बट आई कुड नॉट हेल्प अदर्स वो कह सकते हैं कि ऐसे करो लेकिन मनुष्य तो बोलेगा नहीं कर सकते भाई देखो हमने बता दिया है करो तो उन्होंने अंत में क्या कहा ओपन टू द मदर एक जगह वो केवल इतना लिखते हैं जब निरुद्धा कहते हैं आपकी योग की सीक्रेट क्या है कहते हैं दे आर टू सीक्रेट्स ऑफ दिस योगा फर्स्ट इज फर्स्ट की टू कीज टू दोगा फर्स्ट की टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर उसके बाद दूसरी की लिखी नहीं उन्होंने निरोधा को याद आया कहा दूसरी चाबी भी दे दीजिए <laughs> कहते हैं एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ इफ इज डूंग कंसेशन एक जगह शेर दिखते हैं ऑल टर्न टू द मदर आर आर टर्न टू अब ये आश्वासन किस आधार पर क्योंकि दिस इज मदर ये है माँ माँ एक चित्र नहीं है कोई फिलोसफी नहीं है एक फ्रेंच और इंडियन और ये सब के बहुत परे हैं शब्द नहीं है क्या कहा जाए माँ कौन है मां माँ है <laughs> अब फिर से वो डिवाइन मदर का ही आवाहन करके आवाहन नहीं एक वो तो यहां फिर से वो वी वर्ड आता है अक्टूबर फोर्टींथ मदर डिवाइन दाउ आर्ट विद अस एवरी डे दाउ गिवेस्ट मी एश्योरेंस एंड क्लोजली यूनाइटेड इन एन आइडेंटिटी दैट ग्रोज मोर एंड मोर टोटल मोर एंड मोर कॉन्स्टेंट वी टर्न टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स वी इज इंडिविजुअल फॉर्म में एंड द डिवाइन मदर दोनों एक हो गए हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वही सावित्री में अंत में आता है ना तो लॉर्ड कहते हैं तुम क्यों परेशान मनुष्य तो नहीं अभी नहीं बदलेगा दस हजार एक लाख मिलियन साल के बाद बदल जाएगा तुम आके सत्यवान के साथ यहाँ रहो अगर हम अपने कंटेक्स्ट में माँ और शेयरविन तो सब चीज़ के परे चले गए हैं उनको तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है कहते हैं श्री अरविंद देर इज नथिंग आई नीड फॉर माई सेल्फ बिल्कुल श्री कृष्ण की वाणी है नाइ दर द सुपर माइंड और सचिदानंदा नॉर ये सब तो रियलाइज कर चुके हैं फिर किसके लिए प्रभु अर्थ के लिए और वही वो आता है तो माँ कहती नो आई आई क्लाइम नॉट टू दईव शर्न नाइट नहीं मुझे वो स्थान स्वीकार नहीं जहां ये बच्चे साथ में नहीं आ सकते हैं इनको तो मैं दिला के द्वार खोल के जाऊंगी तो मां क्या कह रही हैं ऑल द अर्थ इज इन अवर आर्म्स किसकी बात कर रही हैं कुछ आश्रमाइट की बात कर रही हैं कुछ डिवोटीज की बात कर रही हैं कुछ डिसाइपल्स की बात कर रही हैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हैं। ऑल अर्थ ऑल अर्थ वो किसको बोलेंगी कि ये मेरा अपना नहीं है ऑल the अर्थ इज इन our आर्म्स ये हमारा मूड भाग है कि हम नहीं समझ पाते कि वो हमारी हैं एकमात्र उन्होंने तो पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में लिया हुआ है अपने आर्म्स में ऑल the अर्थ इज इन अवर आर्म्स लाइक ए सिक चाइल्ड हु मस्ट बी क्योर्ड और फॉर एंड फॉर होम वन हैज ए स्पेशल अफेक्शन बिकॉज ऑफ इज वेरी वीकनेस महेश्वरी जी कहते थे एक बार में कहा लोग समझते हैं हम लोग यहाँ बड़े कोई स्पेशल उसके कारण है एकम्प्लिशमेंट के कारण हम लोग यहाँ स्पेशल डिफिकल्टी के कारण है जो जितना बीमार उतना बड़ा डॉक्टर इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट कम से कम ये नहीं आ जाए दिमाग में कि हम लोग बड़े लीट कोई स्पेशल सारी पृथ्वी उनकी है ये नहीं कि केवल आश्रम आइट उनके हैं लेकिन जो विशेष रूप से जो असुर तत्वों को भी उन्होंने बुला के अपने बाहों में लिया हुआ है हम लोग परेशान होते हैं शिव जी की बारात में सब लोग हैं हम लोग परेशान होते हैं ये इनको क्यों बुलाया इनको भी बुलावा मिला आपको भी न्योता मिला है राक्षस को देख के पूछ रहे हाँ हमको भी मिला है भूत पिशाच तुमको भी हमको भी मिला है अब देवता लोग आपस में कन्वर्स कर रहे हैं ये देखो कैसे लोग आ गए यहाँ पे अब भूत पिशाच तो बड़े मस्त होके नाच रहे हैं से कोई पूछता आप इतने खुश क्यों हो रहे हो अरे जगन माता के पास जा रहे हैं उनके हाथ की खीर खा के ही तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे ये चीज देवता लोग समझ नहीं पा रहे और वो ट्रांसफॉर्म हो गए और देवता वहीं देवता जैसे बने रहे ये आगे की कहानी है क्योंकि देवताओं को तो बड़ी अकड़ है ना इस प्रजी को हम तो बड़े अच्छे हैं ये देखो कितने गिरे हुए तो वो तो रूपांतरित हो गए वो तो बेचारे क्या करें वो तो जा ही रहे थे डिवाइन मदर का प्रेम ये रियल स्टोरी है ना गलत तो नहीं है वो जैसे जा आप जाते हैं तो वो खीर खाते हैं बड़े खुश होते हैं देवता वहाँ पंडाल में बैठा नहीं चाहते हैं ओरिजिनल स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे क्यों हम असुरों के साथ नहीं बैठेंगे तो भगवान ने ये सब यहाँ बंद कर दिया ना डाइनिंग रूम में <laughs> आप कितना भी कर लो एक दूसरे को कल कूट लो डाइनिंग रूम में तो आपको ये नहीं कह सकते हमारे लिए स्पेशल जगह रख दो हालांकि <laughs> लोग करते उस <laughs> उसमें भी ये वाली जगह हमारी है <laughs> पर देखिए तो यहां पे माँ कह रही है कि जो बच्चा बीमार है उसके प्रति स्पेशल माँ की अफेक्शन होती दुधकारती नहीं है तुम गंदे गिरंदे माँ कभी ये नहीं बोलेगी हे hey, गंदा बच्चा भाग जा ओके तो अरे तेरे कपड़े गंदे हो गए जल्दी आ जल्दी हमें आ, आ, चेंज करूँ माँ का जो स्वाभाविक है ना रिस्पॉन्स ये होता है अरे तू इतना गंदा हो गया आजा 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 चल तेरे कपड़े खोलूँ चल साफ़ करूं निला दूँ तुझे बच्चा रो रहा है नहीं मुझे नहाना नहीं है वो तो अपना सुपर रिन सुपर लक्स सुपर डिलक्स साबुन लगा लगा कि वो बच्चा रो रहा है बाद में वो आ, आ गया उसको अच्छा भी लग रहा है कह रही अब देख मैंने तेरे लिए क्या खाना बनाए ये दिस इज मदर्स रिस्पॉन्स और बाकी जो साधु संत होते हैं ये देखो गिरा हुआ व्यक्ति कपड़े इसने गंद, गंदे हो गए अरे गंदे तो हो गए लेकिन क्या करोगे तुम नहीं इसका हम कुछ नहीं कर्मों का है आपको आपके कर्म हैं गिरे हो गए भुगतना पड़ेगा चोट लगी अब बीमार हो गए टेटनस होगा यह है कार्मिक थ्योरी डिवाइन मदर कहती है द ग्रेस कैन कंप्लीटली कैंसिल कर्मा क्योंकि दैट्स वाई इट इज ग्रेस एक बार किसी ने पूछा महेश्वरी जी से पूछा कविता ने पूछा कहती हमने तो कुछ भी नहीं किया है इतनी ग्रेस महसूस होती है मां की ऐसा क्यों मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसको ये लगता था कि मैं तो चलो थोड़ा पढ़ता हूँ ये करता हूँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया है तो माहेश्वरी जी हंस के बोलते हैं बोलते हैं दैट्स वाई इट इज ग्रेस ग्रेस कोई कैलकुलेशन कंडीशंस पे नहीं होती है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रेस क्रेडिल्ड ऑन द इमेंसिटी ऑफ द इटर्नल बिकमिंग्स अवर दोज बिकमिंग्स अब देखिए अब ईशोपनिषद मैं ही सब कुछ हूं आत्मयवा भूत विजानता तो अब मां इसको कैसे लिख रही हैं? कह रही हैं कि क्रेडिड ऑन द इमेंसिटी ऑफ द बिकमिंग। जो शाश्वत सत्य में जो चीजें देखी हुई हैं जो परिवर्तन आवर सेज दो स्वयं बन गई हैं वह जो बदल रहा है वी कंटेंप्लेट हर्ष एंड ग्लैड द इटर्निटी ऑफ द इमोबाइल साइलेंस वेयर ऑल इज रियलाइज इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस एन इम्यूटेबल एग्जिस्टेंस मिरेकुलस गेट ऑफ ऑल अनोन दैट इज बियॉन्ड तो वो देख चुकी हैं कि सब सब कुछ उन्होंने देख लिया अपनी अंतरदृष्टि में त्रिकाल दृष्टि में लेकिन साथ ही वो वहां उतर के युद्ध भी ये जो डबल प्ले होता है जिसको श्री अरविंद माता पुस्तक में बताते हैं शी इज नॉट ओनली ऑल अबव बट शी इज डिसेंडेड हियर इंग टू दी डेन ऑफ इग्नोरेंस श्री कृष्ण ने देख लिया है कि बल्कि देख क्या लिया है कर दिया है सारा युद्ध समाप्त हो गया है लेकिन अब श्री कृष्ण सारथी भी बनते हैं सारथी बनते हैं तो बिकमिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब ये नहीं कह सकते आप देख मैं रिटायरमेंट की तरह पीछे बैठा हूं मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है हो गया है सब नहीं जहां जरूरत है वो रथ को हल्का सा नीचे करते हैं ताकि वो नागास्त्र जो चलाता है कर्ण वो बच जाते हैं अर्जुन उसके कारण जहां जहां जरूरत है सलाह देते हैं अवर से उसमें वो पूरे उस बिकमिंग्स में पार्ट कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अक्टूबर सेवेंटीन को कह रही हैं, ओ डिवाइन मदर ऑब्स्टेकल्स विल बी सरमाउंटेड एंड द एनिमीज अपीस्ड बार बार ये वर्ड अपीस्ड अपी क्या होता है संतोष उसके अंदर से जो विष दंत है समाप्त हो जाएंगे विल बी डिस्ट्रॉयड अपीस्ड उनके अंदर वृत्ति कामेश कामेशु क्रोधेश ये सब समाप्त हो जाएगा एपलीस्ट तो यही तो उनका भय समाप्त हो जाएगा एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है हम लोग पढ़ेंगे नहीं लेकिन बाद में अक्टूबर ट्वेंटी फिफ्थ की है जहां हाँ अपनी एस्पिरेशन को एक ब्यूटीफुल रोज़ के रूप में प्रकट करती हैं वो एक रोज़ जो है वो फैलता चला जा रहा है और कहती हैं कि जहाँ मेरी एस्परेश नॉलेज लिमिटेड है उसको एनलाइटन करिए मेरा हृदय जहाँ एम है उसको फिर से प्रकाशित कर दीजिए इफ़ माय लव इज इनसिग्निफिकेंट मेक इट इंटेंस इफ़ माय फीलिंग्स आर इग्नोरेंट एंड इगोइस्टिक गिव देम द फुल कॉन्शियसनेस टू द ट्रूथ अब कोई देखिए कोई पढ़ के अच्छा माँ ये क्यों पूछ रही है सब सब तो रियलाइज कर लिया है उन्होंने आगे लिख रही हैं एंड द आई विच डिमांड्स दिस ऑफ दी ओ लॉर्ड इज नॉट ए लिटिल पर्सनैलिटी लॉस्ड एमिट्स थाउजेंड्स ऑफ अदर्स इट इज़ द होल अर्थ दैट एस्पायर्स टू दी इन ए मूवमेंट फुल ऑफ फरवर पूरा योग इसमें मिल गया श्रद्धा नहीं है माँ मुझे श्रद्धा से भर दो प्रेम नहीं है माँ मुझे प्रेम दे दो अभिप्सा की कमी है माँ मुझे अभिप्सा दे दो माँ ज्ञान नहीं है इसमें थोड़ी हमारी सुपर वाट बल्ब चला दो ही है ना प्रकाशित कर दो मन के गलियारों को अंधियारों को यही है योग एज सिंपल एज दैट और ये अंत में जो हम पढ़ रहे थे जिसकी बात हो रही थी कि हाउ फार मदर हैज गॉन ये वेदों में ऋषियों ने सद को रियलाइज किया लेकिन कुछ थे जिनको इट्स नॉट एनफ इसके परे क्या है तो नॉन बीइंग को रियलाइज किया असत ज नॉट फॉल्सुड वाला असत असत माने उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते बुद्ध ने भी उसकी बात की तो सद असत लेकिन मां देर इज द इन ऑल वर्क कॉन्स्टेंटली देर इज द परसेप्शन ऑफ दाई इनवेरिएबल प्रेजेंस अंडर दाई डबल फॉर्म ऑफ बीइंग एंड नॉन बीइंग सद सदतीतम और अगर हम बोलना चाहें असद अतीतम बियॉन्ड बींग एंड नॉन बींग सुप्रीम ये कहीं पर नहीं मिलेगा यही सीधा ये कोहिनूर का भी कोहिनूर है महाशि अरविंद का जो योग है इज सो तो ब्यूटिफुल कहीं नहीं मिलेगा आपको इवन गीता विल नॉट स्पीक अबाउट इट इन सच ए क्लैरिटी बींग और नॉन बींग के परे दाई दबा। दोनों ही आपके ही है रोप बट इट इज एज इफ बिहाइंड थिन बाई द इनडिसबल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द वर्क और वो कर्म में रियलाइज कर रही है सारे कर्म में दस्त दॉलिड फाउंडेशन ऑफ दाइ वर्क अपॉन द अर्थ आर मेड रेडी इसीलिए जब किसी ने शेरविन से पूछा कि हमने तो बहुत निर्विकल्प समाधि के बारे में सुना हुआ है तो फिर माँ का रियलाइजेशन क्या है माँ कहती है द मदर कैन गिव यू निर्विकल्प समाधि एंड मोर रियलाइजेशन इज मच ग्रेटर क्यों निर्विकल्प समाधि में एक्शन भी आपका ड्रॉप हो जाता है आप चले जाते हो उसमें या तो सद में चले जाओगे ल्यूमिनस ब्लिस में या आप असद में अगब बहुत रेयर है उसमें जाना पर मां कर्म में सद असद दोनों को एक ही वन जो सद और असद दोनों रूप उन्होंने धारण किए हैं सावित्री में ये लाइन आती है जब मृत्यु सब टेस्ट करके सावित्री को अंत में कहती है कि यू हैव रियलाइज द डबल रियलाइजेशन फॉर्म के स्नेयर में भी आप नहीं हो फॉर्मलेसनेस के स्नेयर में भी नहीं हो दोनों बंधनों से मुक्त हो नाम रूप के बंधन से तो मुक्त होना है उससे मुक्त हो लेकिन आप अरूप अनाम के बंधन से भी मुक्त हो क्योंकि वही एक को आप नाम रूप में भी मैनिफेस्ट होते देख रही हो फर्स्ट वन हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम ये सच है कि इग्नोरेंट नाम रूप से बंधन उससे भी फ्री होना है तो उससे क्या होता है हम अनाम अरूप अकाल कहते हैं ना उसमें चले जाते हैं फिर उसके बंधन से भी मुक्त होता होना है और हर नाम रूप में उन्हीं का प्रकटन देखना है हर कर्म में उन्हीं का ये जो फर्दर है जो रूपांतरण के योग में है रियलाइजेशन विच इज ग्रेटर जिसको कंसीव भी नहीं किया गया है हमेशा हुआ है भाई गॉड फॉर्म में है नहीं फॉर्मलेस में जो मानते हैं नहीं नहीं वो फॉर्म में है तो सगुण निर्गुण में झगड़ा करते रहे तो यहां पर माँ कह रही हैं दस सॉलिड फाउंडेशन ऑफ लाइन इट इज दाओ एंड दावोन लिवेस्ट इवन इन लीस्ट एटम ऑफ द बॉडीली सब्सटेंस सबस्टेंस इट सेल्फ विच दाओ जो वंस बीइंग नॉन बीइंग इम्यूटेबल म्यूटेबल इन सब के परे और इन सब के अंदर जो सब कुछ बन गए हैं और जिनके कारण सब कुछ है वो कहां रियलाइज कर रही हैं? सब्सटेंस ऑफ हर बॉडी एटम्स सेल्स लोग कहते माने सेलुलर योग बहुत बाद में स्टार्ट किया था स्टार्टेड अर्थ वॉज नॉट रेडी वो इतना आगे चली जाती कि फिर

तो कहती है कि एटलीस्ट ए मिनिमम ऑफ रिसेप्टिविटी वॉज नीडेड इन ह्यूमैनिटी तो यहां पर इट इज एंड एलोन इवन इन द द लीस्ट एटम ऑफ दीस्ट एफ दॉडिली इतनी प्रेसाइज लैंग्वेज है कि ये कोई कल्पना नहीं है लीस्ट एटम ऑफ द बॉडीली सब्सटेंस इल्फ दस सॉलिड फाउंडेशन ऑफ वर्क अपॉन अर्थ आर मेड रेडी अब उन्होंने यज्ञ वेदी खुद ही बनी है यज्ञ वेदी पूरी तरह तैयार कर दिया जो भी उनसे जुड़ेगा रूपांतरण योग में बढ़ता चला जाएगा यस टू जस्ट गिव द बेसमेंट्स ऑफ द इमेंस एडिफिस आर कंस्ट्रक्टेड नया जगत ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है शे माता जी ने पहले इन चीजों खुद रियलाइज किया सिद्धि दिवस उसके बाद उन्होंने ये योग संसार में प्रकट किया ऐसे नहीं कि एक आश्रम बना दो बाहर लिखा भी नहीं है कहीं आप तो उन्होंने एक बोर्ड लिखना पड़ता है ना श्री अरविंद आश्रम टाइमिंग वगैरह बहुत समय तक कुछ नहीं था कुछ भी नहीं वो बाहर बस एक सिंबल आपको ऊपर दिख रहा है वो भी बहुत लोग मिस कर देते थे सामने खड़े होकर पूछते थे आश्रम क्या है वहां भी जाकर के क्या है यहां पर समाधि के पास जाके घूम के आ रहे ये भी नहीं कि समाधि स्थल कंपेयर टू बापू जी एंड ऑल दोज समाधि स्थल इतनी बड़ी कितने एकड़ की जमीन वहां पर सन इज सन आप उसको सन कभी दिखता है आई एम सन प्लीज ट्रेड विद कॉशन आप जल जाओगे जाओ कोशिश करो किया था जटाइयों के भाई संपाति ने यू विल जस्ट गेट बंट समाधि के बाहर कहीं नहीं लिखा ये ये भी नहीं लिखा है लोग पूछते हैं किसकी समाधि है तो बताना पड़ता है शीरविंद माता जी दोनों अच्छा दोनों की अलग अलग है बताना पड़ता है दोनों की समाधि है ये लेकिन आप रहो पास में और देखो जलोगे कि नहीं जलोगे <laughs> सन का प्रमाण इसमें है द सन नीड्स नो एडवर्टाइजमेंट कौवा बोलता है सूरज आ गया सूरज आ गया मुर्गा भी बोलता है सूरज आ गया सूरज आ गया नहीं बोले तो क्या सूरज नहीं उगेगा यदि हम सब लोग सेमिनार वेबिनार बंद कर दें अगर ये नहीं ये जॉय है वन शुड से जॉय उस परम गंगा में नहाने का लेकिन अगर बंद कर दें तो क्या नई नया जगत नहीं आएगा क्या वो इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी बार इसका अनाउंसमेंट करें अगर एक भी मुर्गा बांग ना दे अगर एक प्राणी ना हो अगर एक जीव जंतु ना हो एक भी कौआ कौ कौ नहीं करे सूर्ज तो निकलेगा सो दैट इज सॉलिड फाउंडेशन बेसमेंट्स ऑफ दुम सर्टिफिक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी है व्यक्ति वो कॉन्टेक्ट कर सकता है और है हो ही रहा ही है ऐसे ऐसे लोग हैं जुड़े हैं जो पता नहीं कहां कहां है ये नहीं कि आप पॉन्डिचरी आए उसके बाद जुड़े यू में भी एनी वेयर वन ऑफ द डिवाइन स्टोन्स इज लेड बाई द पावर ऑफ द कॉन्शियस एंड फॉर्मेटिव थाट कैसे उन्होंने किया है अपने पावर ऑफ थाट तो अब पृथ्वी के किसी कोने पर व्यक्ति है वो अग्नि वहां जल रही है माने जला दी अब आप कैच करोगे नहीं करोगे नियति है नहीं रेजिस्ट करोगे ये आपकी समस्या है एंड इन आर ऑफ रियलाइजेशन अर्थ दस प्रिपेर्ड विल बी रेडी टू रिसीव द सब लाइम टेम्पल ऑफ न्यू एंड कंप्लीट मैनिफेस्टेशन पहला मंदिर जो बना है वो है पृथ्वी फिर बना है आश्रम तो चूंकि पृथ्वी के कोने कोने में ये माने ये स्टोन एडिफिस टेम्पल बना दिया है तो आज नहीं तो कल वो रियलाइज होगा और क्या रियलाइज होगा न्यू एंड कंप्लीटर मैनिफेस्टेशन भगवान ने अब अभिव्यक्ति की है ऋषि मुनियों के द्वारा राम जी म, कृष्ण जी बुद्ध हमारे यहाँ तो ये परंपरा है ना कि न्यू मैनिफेस्टेशन होता रहता है अवतार ब्रेक गोज वन स्टेप फर्दर आधार वही है धर्म है सनातन धर्म है लेकिन एक कदम आगे उसकी अनफोल्डिंग होती है तो अब क्या है न्यू मैनिफेस्टेशन अब उसके आगे और कैसा होगा वो उसकी पहचान क्या कंप्लीटर जो शेष रह गया था क्या शेष रह गया था रूपांतरण रह गया था यंत्रों का रूपांतरण देह का रूपांतरण एक दिव्य साम्राज्य पृथ्वी पर ये रह गया था So it is the hour of the new and completer manifestation. Jama.